बहुत दिनों बाद प्रदूषण मुक्त सांस ली थी हमने, बहुत दिनों बाद पक्षियों की आवाज़ सुनी थी हमने, बहुत दिनों बाद नदियों का जल स्वच्छ हुआ था, और यह सब बातों का वर्णन मैंने पहले भी किया था। लॉकडाउन के 4 चरणों के बाद अनलॉक की शुरुआत हो गई है, और साथ में प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की शुरुआत भी हो गई है। इन बड़ी बड़ी इमारतों के पीछे कुदरत की सुंदरता खो रही है, मनुष्य की इस दुनिया में प्रकृति विलुप्त हो रही है। पेड़ लगाओ जिंदगी बचाओ, ऐसे कई नारे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर क्यों हम इस नारों पर कभी अमल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, यह सभी नारे आज भी जीवित है, पर सिर्फ उन किताबों के पर्यावरण बचाओ के निबंध के पन्नों पर। पर पता नहीं क्यों इन नारों का मनुष्य पर नहीं हो रहा कुछ भी असर। यह सभी को ताज़ी हवा चाहिए अपनी जान बचाने के लिए। उन इंसानों से मेरा एक सवाल है कि क्या कभी गए हो किसी पौधे को पानी पिलाने के लिए? और आज आएंगे 5 जून को सोशल मीडिया पर खुद की तस्वीरों के साथ कि आज एक बार फिर से हमने एक बीज बोया है 12 महीने के बाद। इन शहरों के विकास के कारण पेड़ आज भी कट जाते हैं। इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के धुएं से प्रकृति भी थक जाती है। इन शहरों के विकास में मनुष्य की टोली क्यों आज भी सो रही है? यह जंगल कट रहे और नदियां सूखी हो रही है। इन बड़ी बड़ी इमारतों के पीछे कुदरत की सुंदरता खो रही है, मनुष्य की इस दुनिया में प्रकृति विलुप्त हो रही है, मनुष्य की इस दुनिया में प्रकृति विलुप्त हो रही है।